भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना, वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना है, वो भगवान बनने की हैसियत को प्राप्त करना है। तो मंगलाचरण अपना कि तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सब छिलके ओर मुड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। ये मंगलाचरण है अपना। और बात चल रही थी जीवन को निर्दोष बनाने की, कल आप लोगों से मैंने जीवन को निर्दोष बनाने की बात करी थी कि अगर आपके जीवन में कुछ गिरावट आ भी गई है, जब आप वो गिरावट आ भी गई है तो उस गिरावट को आप अपने खुद के परिणामों से वापस से उठा भी सकते हो। वो कैसे उठा सकते हो? अगर आपका जीवन अच्छा है तो मैंने बोला था जब आप नहीं हो और आपको याद किया जाए तो समझना आपके जीवन में गिरावट की मिलावट नहीं है, तो गिरे हुए व्यक्ति को कोई याद नहीं करता है। और भी बात बोली थी कि मेरा सच्चा मूल्य मेरी अनुपस्थिति में सबको याद आऊँ, मैं मेरे गुण, मेरे अच्छे कार्य, मेरी सेवा, मेरा समर्पण, मेरी भक्ति मुझे के माध्यम से मुझे याद किया जाए तो समझना मेरे जीवन में गिरावट नहीं है। और उस अर्थ के पदार्थ को भी मैंने बोला था कि अगर तोलना है तो अपने आप को तोलो। कैसे तोलो? अगर आपका मन कैसा हो, करुणामय हो, दयामय हो, तो निश्चित ही मान के चलना आपका वही असली वजन है। और मैंने आपसे ये बात बोली थी कि अपने आप को चेक करो, ऑब्जर्व करो, संस्कार, संबंध, समता, साहस और सद्गुण ये कम हुए कि बढ़े, इस पर विचार करना। गिरते तो सब हैं पर गिरकर जो सीखते हैं वो महान बनते हैं। गिरने की के बाद उस गिरावट पर जो पश्चाताप के आंसू बहाता है वो ही संसार की हर टकराहट से अपने आप को दूर कर लेता है, क्योंकि अपराध बोध अपने आप में बहुत बड़ा बोध है जो कि जीवन को नवीन बोध प्रदान करता है, नया जीवन प्रदान करता है। इसलिए तुम जिस तत्व के पीछे रोते रहोगे, कल बोला था, जिसका पछतावा करोगे वो तुमसे दूर होता चला जाएगा। अगर सुकृतों के पीछे पछतावा अच्छे कार्यों के तो वो भी दूर हो जाएंगे, और बुरे कार्यों के प्रति करोगे तो वो भी दूर हो जाएंगे। पिछले जन्मों के पाप और इस भव के दोष धो डालती भूगर अफसोस की एक बूंद, वन टीयर इज इनफ। ये बात मैंने आपसे बोली थी कि शास्त्रों में पाप के पीछे पछतावे के आंसू बहाने वाले को वंदनीय कहा है, महाभाग कहा है, धन्यवाद का पात्र माना है। इसलिए आप विचार करना, अगर आप आंसू बहा रहे हो तो आप बहुत बड़ी आंसू की ताकत आपके पास है जो आपके जीवन को बहुत अच्छा और बहुत महान बना देगी। पाप ना करने का वो तीव्र संकल्प आप ले लोगे तो निश्चित आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। इन जो गलतियाँ इसलिए हो रही है, कल हमने बोला था, उन सब गलतियों का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, वो है आंसू, रुदन, पछतावा और पाप ना करने का संकल्प। इतना बस कर लेंगे तो निश्चित आपके जीवन से वो पाप की लीला समाप्त तो हो जाएगी। और आज बात करना है, तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की ओर क्या करना होगा? मुड़ना होगा। मुड़ना क्यों बोल रहे हो महाराज जी? मुड़ना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आप मुड़े नहीं हो, अभी आप चलते चले जा रहे हो। कहाँ? विषयों में चलते चले जा रहे हो। जब तक उस विषय और आकांक्षाओं से अपने आप को पलटाओगे नहीं और मोड़ोगे नहीं, तब तक आपका कल्याण नहीं होने वाला है। इसलिए अपने आप को मोड़ना पड़ेगा। आपको तीर्थंकर बनना है तो निश्चित रूप से भगवान बनना है तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा। और जो सप्तशील को पालता है वही अपने पास पहुँचता है। अगर आप अपने पास पहुँचना चाहते हो तो मुड़कर आप अपने पास आना चाहते हो तो सप्तशील को और पाल ले। क्या है महाराज जी सप्तशील? किसको बोलते हैं सप्तशील? बार बार सप्तशील की बात आप बहुत दिनों से मंगलाचरण में कर रहे हो। बहुत छोटी सी सप्तशील की बात है। अगर आपने इस सप्तशील की बात को समझ ली तो बहुत अच्छी बात है। कि ये सप्तशील, हालांकि शास्त्रीय भाषा में तो आज का प्रवचन थोड़ा कठिन जाएगा क्योंकि है तो ये शास्त्रीय प्रवचन आज का, थोड़ा सा कहना चाहिए कि आगम से संबंधित प्रवचन है। तो ये सप्तशील मतलब कहलाते हैं चार शिक्षा व्रत और तीन गुण व्रत। बस यही आधार है।
इन सात को समझ लिया आपने तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा और कुछ नहीं है, क्योंकि सात आपके जीवन में आ गए तो आपकी प्रतिमा हो जाएगी, और जहाँ आपकी प्रतिमा हो गई आपका पंचम गुण स्थान हो जाएगा, जहाँ आपका पंचम गुण स्थान हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आप निश्चित मान के चलना आपकी निर्जरा असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। सिर्फ वो सात चीज़ों को थोड़ा अपने को समझना पड़ेगा, बहुत भारी भी नहीं है और बहुत कठिन भी नहीं है, लेकिन आपके जीवन के बहुत सारे पापों को वो क्या कर देगी, आप वो जो पाप आपके जीवन में होते चले आ रहे हैं उनको वो समाप्त करते चले गए। इन सात को बहुत बारीकी से अपन समझने का प्रयास करते हैं। तो चार होते हैं शिक्षा व्रत और तीन होते हैं गुण व्रत। शिक्षा वो कहलाती है जो हमारे जीवन में जिन शिक्षाओं को लेने के माध्यम से हम सीखते हैं, शिक्षा मतलब सिखाने का कार्य करती है, वो शिक्षा होती है। और गुण वो कहलाते हैं जो हमारे को अपने आप को जीवन को ऊपर उठाने के लिए जो गुणवान होता है उसकी पूजा होती है। तो ये तीन गुण अगर हमारे जीवन में आ गए और चार शिक्षाओं को हमने ग्रहण कर लिया तो हमारा जीवन बहुत ऊँचा और महान बन सकता है। इन चार शिक्षा व्रत में सबसे पहले बोला जाता है दिग्व्रत, दूसरा बोला जाता है अनर्थ दंड व्रत, तीसरा बोला जाता है भोगोपभोग परिमाण व्रत, और चौथा बोला जाता है कौन सा, ये तीन तो क्या हो गए आपके, क्या हो गए तीन, ये दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत, ये तीन क्या हो गए, ये तीन हो गए आपके गुण व्रत। और चार शिक्षा व्रत कौन से होंगे, तो कहते हैं देशावसिक, सामायिक, प्रोषोदोपवास, वैयावृत्ति, अतिथि संविवाह। अब पहले अपन इनको दिग्व्रत को समझते हैं क्या कहलाता है दिग्व्रत। और सुनो, सुन रहे हो ना, अच्छे से सुनो, और सुनने के बाद जितना आप कर सकते हो उतना अभी भी कर लेना। ये मत मानना कि जब प्रतिमा लेंगे तब करेंगे, अभी तो बहुत है, नहीं। आप अगर 25 वर्ष के हो, 20 वर्ष के हो, 30 वर्ष के हो, 35 वर्ष के हो, भूमिका अभी से तैयार कर दो कि हम इतना तो कर सकते हैं, हम उतना कर लें। उतना कर लोगे तो प्रतिमाओं की ओर आप बढ़ जाओगे, ठीक है ना, आज नहीं तो कल। अच्छा बताओ, सबको समाधि मरण करना है, सबको सुमरण करना है। समाधि मरण उसी का होता है जिसके पास व्रत होते हैं। अच्छा श्री कहते हैं किसको समाधि दूं, जब कोई समाधि के लिए आता है ना, मैं किसको समाधि दूं, बोले समाधि उसकी होती है जिसके पास व्रत हो, और जिसका व्रत नहीं उसको मैं समाधि कैसे दे सकता हूं। तो कम से कम हम अभी नहीं ले पा रहे हैं प्रतिमाओं को, लेकिन जितना होगा उतना तो कम से कम कन्फर्म हो जाओ आप, उतनी तो अपने परिणामों में निर्मलता ले आओ आप, उतने तो कमिटमेंट अपने आप से कर लो आप कि हाँ मैं इतना कमिटमेंट करता हूँ। सबसे पहला क्या, दिग्व्रत। दिग्व्रत का तात्पर्य क्या होता है, दिशाओं का परिणाम करना, और क्या मृत्यु पर्यंत तक पापों से दूर करने का संकल्प कहलाता है, मतलब हम आजीवन त्याग करते हैं वो कहलाता है दिग्व्रत। हम आजीवन त्याग करते हैं कहलाता है दिग्व्रत। तो आप जहां आपको आजीवन नहीं जाना है आप वहां का तो त्याग कर ही सकते हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कहां तक जाना है आपको। तो अब एक बालक ने बहुत अच्छा, मैंने कहा भैया कुछ तो कर दे तू त्याग, तो उसने बहुत अच्छी बात कर दी, बोले महाराज जी आपने बोला ना त्याग करना है, बोले हाँ त्याग करना है, तो खुली बात है मेरा नियम है कायसर पूर्वक, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, कम से कम इतना दिमाग तो लगाया उसने, बोले भरत खंड से बाहर नहीं जाऊंगा। अरे कम से कम इतना तो कायसर किया उसने, बोले भरत खंड से बाहर में नहीं जाऊंगा, बात ही खत्म। वो जा भी नहीं पाओगे आप, जा ही नहीं सकते हो आप, भरतखंड के बाहर ताकत नहीं कि आप चले जाओ आप, कम इतना कर लो। तो ये भी तो हो गया ना, अब भरतखंड के बाहर का पूरा हमारा क्या हो गया, कोई हमारा अटैचमेंट नहीं है। तो आप जितना कर सको, ये मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि ताकि जितना आप कर सकते हो, भाई अमेरिका तक जाना है अमेरिका तक की सीमा बना लो, कितना 5,000 10,000 कोई सीमा तो तैयार कर लो, आज उठ के जाओ तो ये सीमा तैयार कर लेना कि हम 10,000 किलोमीटर का एक एरिया मान लेते हैं कि हम चारों तरफ 10,000 किलोमीटर से बाहर नहीं जाएंगे, इतना तय कर लो, इतना तो कर सकते हो। तो एक ही कहलाता है आपका दिग्व्रत। लेकिन आचार्य श्री जी बोलते थे जिनको प्रतिमाओं लेना है उनको प्रतिमाओं के लिए तो कम से कम भारत की सीमा, गुरुदेव बोलते थे बाहर का नहीं, बाहर का नहीं, भारत की आप सीमा बना लो, और भारत वर्ष के अंदर तक का हमारा जाने का नियम है। बोले भारत क्यों जाना,
आप प्रतिमा धारी हो तो क्या हेतु भारत भारत से बाहर जाने का? यहाँ तो समझ में आता है हमको शिखर जी जाना है, हमको गिरनार जी जाना है, लेकिन भारत के बाहर या तो आप राग से जाओगे या मोह से जाओगे। राग और मोह के, क्योंकि भारत के बाहर क्या है, कोई धर्म है क्या, कोई संस्कार है क्या, वहाँ गुरु की सन्निधि मिलेगी क्या? जब वो गुरु की सन्निधि, तो आचार्य श्री जी प्रतिमाधारी देने के पहले ये बोलते थे कि जिनको प्रतिमा लेना है उनको क्या करना है, उनको भारत के बाहर नहीं जाना है, और अगर भारत के बाहर नहीं जाना है तो बाहर का आपका पूरा त्याग हो जाएगा। तो जीवन पर्यंत दिशाओं को बांधने वाला जो कहलाता है वो अपनी दशा को सुधार लेता है। फिर से बोलूं, जीवन पर्यंत तक दिशाओं को बांधने वाला अपनी दशा को सुधार लेता है। अगर आप अपनी दशा सुधारना चाहते हो तो पहले दिशा बांध लो। अगर आप अपनी दशा सुधारना चाहते हो तो पहले दिशा बांध लो कि इसके बाहर मेरा कोई भी किसी प्रकार से भी कोई लेना देना नहीं होगा, किसी प्रकार का भी मैं व्यवहार नहीं करूंगा, मेरा कायस्थ पूर्वक त्याग हो गया, मैं ना जाऊंगा न मैं आऊंगा। इतना ध्यान रखना, बाहर का अगर त्याग करो तो बाहर की वस्तु को भी ग्रहण मत करना, बाहर का मोबाइल भी यूज नहीं करना, बाहर की अगर वस्तु बनी हुई आई है तो भी यूज नहीं करना, ये ध्यान रखना। तो कहलाएगा सच्चा और अच्छा नियम तो वही होता है। हम मान लो बाहर की वस्तु आ गई, विदेश की कोई वस्तु आपने खरीद ली, भारत देश का मतलब आपने कहा मैं भारत में ही से बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन बाहर की वस्तु को मतलब आपने खरीदा है, तब भी एक बार आचार्य श्री जी ने ये बात करी थी कि प्रतिमाधारियों को अलर्ट होना चाहिए, जो लोग प्रतिमा पालते हैं उनको मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए सच्चा और अच्छा अगर वो पालना चाहते। क्यों? बोले आप बाहर से मान लो आपका मैसेज आ रहा है, बाहर से बहुत सारी चीज़ें आ रही है, आप फेसबुक पे देख रहे हो, व्हाट्सएप पे देख रहे हो, तो बाहर से तो आपका संबंध बन ही गया ना। तो मोबाइल वालों को बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि वो तो पूरे पूरे विश्व से जुड़ा होता है वो मोबाइल। तो आप इतना जितना प्रयोग करना उतना प्रयोग करें। अच्छा जी ने उस वक्त कहा था कि जितने प्रतिमाधारी हैं, कान खोलकर सुन लो, कि जितने प्रतिमाधारी है उनको, आचार्य श्री ने कहा था मैं पहली बात तो सपोर्ट करता नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ, आज का संसार ऐसा है उसके बिना चलेगा नहीं। तो उनका वो कहना था कि वो जो 1500 वाला था ना जियो का, बोले उन प्रतिमाधारियों के लिए वो वाला चाहिए, वो मोबाइल होगा तो बोले उसमें कोई व्हाट्सअप नहीं, उसमें कोई इंटरनेट नहीं, वो क्या बोलते हैं आपका वो और क्या फेसबुक नहीं और नहीं, छोटे वाले में कुछ नहीं चलता, हमारे जमाने में तो नहीं चलता था। अरे वो छोटा जो आता है, अरे छोटा वाला जिसमें कुछ नहीं होता, अब उसी की तो बात कर रहा हूं मैं, जियो ये ऐसा वाला, इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता है। अरे ये जो हमें इतना भी ऐसा भी नहीं है, जियो वियो नहीं बोल रहे हैं हम, छोटे वाला जो क्या बोलते हैं अब आप लोग उसको, कीपैड। आप कीपैड अगर वास्तविकता में आप सच्चे प्रतिमाधारी हो और आपको अगर मान लो दो प्रतिमाओं का पालन करना है, और अगर दो प्रतिमाओं का पालन आप कर रहे हो तो आपको उस मोबाइल का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि बाहर की पूरी दुनिया उसमें आ रही है और बाहर की दुनिया का त्याग हो गया है। और आचार्य श्री जी के हिसाब से अगर हम आचार्य श्री की बात माने, गुरु की आज्ञा ये कि जो प्रतिमाधारी है उसको भारत के बाहर का पूरा पूरा त्याग करना चाहिए। आपको हम बताएं कि आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि एक सज्जन थे जिनकी कहना दशा सुधरनी होती है वही अपनी दिशा बांध सकता है, जिनकी दशा सुधरनी होती है वही अपनी दिशा बांध सकता है। और एक सज्जन को खूब समझाया प्रतिमा के लिए, पर एक इतनी सी बात, क्योंकि आचार्य श्री जी सबसे पहले प्रतिमा में दो तीन चीज़ें, पहले एक चीज़ पूछते कुएं का जल है, पहली बात पूछेंगे, दूसरी बात पूछते हैं बाहर जाने का त्याग, तो हम ले जो संघ में रहते थे पहले तैयार करते थे, क्योंकि मालूम है जैसे क्या पूछेंगे वहाँ पर, या फिर वो बोल देते हाँ महाराज जी ने समझा दिया ना आपको सब। हाँ तो अब उनको खूब समझाया, अब वो पता है सिर्फ एक ही चक्कर में लगे थे कि मेरा बेटा अमेरिका में रहता है और वहाँ मुझे विदेश जाना है, और विदेश जाना है एक बार उससे मिलाऊँ, उसको देखाऊँ, फिर प्रतिमा ले लूँगा। उसको बहुत समझाया, भैया काय को विकल्प कर रहा, बेटा तो आता ही साल में एक बार, उसका घर क्या देखोगे वहाँ जाकर, तुम क्या देख लोगे,
वहाँ बोले हाँ वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं, वहाँ मंदिर की व्यवस्था नहीं, फिर प्रतिमा पलेगी नहीं, आचार्य देंगे भी नहीं, एक बार की छूट भी ले लूँगा तो। मैंने कहा आचार्य बाहर वालों को प्रतिमा, विदेश जाने वालों को नहीं देते। उन्होंने आखिरी तक पूरा करते रहे, नहीं माना नहीं माने, अब समझाने के बाद भी क्या हुआ प्रतिमा है? उन्होंने प्रतिमा नहीं ली, और प्रतिमा नहीं ली, और आपको बताएं हम, गुरुदेव ने भी उनको समझाया नहीं ली, एक एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि कहना नहीं, जिनकी दशा सुधरनी होती वही अपनी दिशा बांध सकते हैं। जरा से मोह के चक्कर में उन्होंने प्रतिमा नहीं ली, और प्रतिमा इसलिए नहीं ली, बाकी सब अनुकूलता, घर में दो दो बहुएं करने को तैयार, और भी दो बहुएं घर में हैं, नौकर चाकर, घर में ही मंदिर, घर में ही कुआं, घर में ही शुद्ध भोजन, सब कुछ अनुकूलता, पर जरा सा मोह। ओ हाँ, गलती हो गई मेरी, तो बेटा नहीं, बेटा नहीं, पोता, पोता था विदेश में, बेटा नहीं था, बेटे तो यहीं आएंगे, पोता था विदेश में। बोले एक बार वो पोते का घर देखा हूँ मैं, पोता वहाँ शिफ्ट हो गया। बोले बेटा बहू के, मतलब क्या बोलते उसको, पोता और बहू है ना, मतलब बेटे का बेटा और वो बहू, उसको देखा हूँ। उस चक्कर में क्या होता है कि मुख्य धन से ब्याज प्यारा होता है, उस ब्याज के चक्कर में वो नहीं माने और उनका अंत सूत्रा, अंत में इस प्रकार से वो मृत्यु। तुम ध्यान रखना, जिनकी दशा सुधरनी होती है वही अपनी दशा को क्या कर सकते हैं, वही अपनी दिशा को बांध सकते हैं। दशा सुधारी तभी सब सुधर, जब आप दिशा को बांध लोगे, जीवन पर्यंत तक आप दिशाओं को बांध लें तो बहुत अच्छी बात होगी। जो दिशा बांध देता है वही समझ लेना दसों दिशाओं से उसका सर्वकाल के लिए मर्यादा से बाहर सूक्ष्म पापों से विरति हो जाती है, और जब सूक्ष्म पापों से विरति हो जाती है तो बाहर के लिए महाव्रत रूप का स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। हम ये नहीं बोल रहे हैं नई पीढ़ी के लिए, हम ये नहीं बोल रहे हैं बाहर की वस्तु मत खरीदना, मोबाइल नहीं त्याग करना, ठीक है आपको छूट दी, लेकिन कम से कम जैसे छोटे से बच्चे ने नियम लिया, वो 13 या 14 वर्ष का वो जो बालक था उसने कह दिया भरत क्षेत्र का नियम, इतना ही कर लो आप कम से कम, कि हम आर्यखंड, उसने भरत क्षेत्र का किया, आप आर्यखंड का कर लो। अरे आप आर्यखंड का कर लो भैया, भरत क्षेत्र तो 5 मलिक शोर है, वहाँ आपको जाना नहीं, आप आर्यखंड का कर लो, और जितना आप विवेक से कम कर सकते हो उतना कर लो। लेकिन कर लोगे तो हमारी दसों दिशाएं बन जाएगी, और दसों दिशाएं हमारे जीवन को बहुत ऊपर उठा लेगी, हमारे जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाएगी। अगला और महत्वपूर्ण समझने का विषय है अनर्थ दंड व्रत। दूसरा कौन सा है? अनर्थ दंड व्रत। ये जो अनर्थ दंड व्रत क्या है, अनर्थ दंड व्रत को पालने से संसार का अर्थ समझ में आ जाता है। फिर से बोलूं, अनर्थ दंड को पालने से संसार का अर्थ समझ में आ जाता है, सब अनर्थों से बचा जा सकता है अगर हम अनर्थ व्रत को पालें। अनर्थ का मतलब क्या है? बिना मतलब के पाप कमाना। अनर्थ मतलब क्या? कोई प्रयोजन नहीं है फिर भी हम पाप को इकट्ठा करते चले जा रहे हैं, बस थोड़ी बुद्धि वहां चले जाए, थोड़ा मन वहां पहुंच जाए, थोड़ा विवेक के साथ हम सोच लें तो वो जो अनर्थ दंड हमारे जीवन में लगता चला जा रहा है हम उसको अलर्ट होने के साथ और विवेक के साथ उनसे बच सकते हैं। वो हमारे स्वयं के हाथ में है और हम स्वयं उसमें अपने आप को बचा भी सकते हैं, बस सचेत होने की आवश्यकता है। तो उनको भी वहाँ पर अनर्थ दंड को भी 5 प्रकार, कठिन तो नहीं लग रहा प्रवचन आज का, नहीं तो देखना अपन बंद कर दें, है ना, क्योंकि आपको मीठी मीठी बातें अच्छी लगती है और मैं आज बिल्कुल जो है शास्त्रीय भाषा में प्रवचन कर रहा हूँ। हाँ, अब 5 जो है, 5 कौन कौन से हैं? बोले पापोपदेश, दूसरा हिंसादान, तीसरा अपध्यान, चौथा दुश्रुति, 5वां प्रमाचर्य। मेरा कहना ये, इसको आप रट लो, 5ों को, ये 5ों को रट लो आप, ये 5 क्या है, और इन 5 पे अपने आप को ठोको बजाओ, देखो परखो इन 5 में मैं कितना अवेयरनेस वाला हूँ, कितना अलर्ट हूँ, कितनी जागरूकता मेरे अंदर है। सबसे पहला है पापोपदेश। पापोपदेश का मतलब ये होता है कि हम बोल रहे हैं, हमारे मुख से वचन निकल रहे हैं, लेकिन इस वचन में कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाप का समर्थन हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे इस वचनों से जो मैं बोल रहा हूँ इससे पाप को बढ़ावा मिल रहा है, इससे पाप जो है और उल्टा और क्या हो रहा है, उस पाप का संवर्धन हो रहा है। नहीं, मुझे इस प्रकार का कोई वचन नहीं बोलना है जिससे पाप और बढ़े।
पाप और आगे बढ़ता चला जाए, इसका आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब मान लीजिए अब पाप उपदेश का तात्पर्य यही हैगा कि आप फालतू में अब लगे हो और बात ही बात में आपने जो हंसी मजाक में कुछ का कुछ बोल दिया, अब कुछ का कुछ आपने जो बोला है, आप विचार करना पांच पाप होते हैं, उस पांच पाप में क्या है, झूठ भी पाप है ना। अभी अपन पाप की बात करें, अब अधिकतर झूठ जरूरत नहीं है बोलने की, लेकिन सिर्फ अपने आप को बड़ा बताने के लिए, अपने आप की इमेज बताने के लिए, अपनी पसंद अपनी पर्सनालिटी को रखने के लिए आप वो झूठ बोल सकते, बोलते ही हो जाता है बहुत बार, सब दुकानदारी में भी हो जाता है, व्यवहारिकता में भी हो जाता है, रिश्तेदारी में भी हो जाता है। तो पापोपदेश का तात्पर्य ये कि उससे क्या होगा, हमारे माध्यम से हम जो बोल रहे हैं उससे पाप जो इकट्ठा हो रहा है और फिर उसके बाद कोई उसके माध्यम से और आगे बढ़ता चला जा रहा है तो कहलाता है पापोपदेश। पापोपदेश में मान लीजिए त्रियंश है, उन त्रियंश को हम क्लेश दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, तो ये पापोपदेश हो गया, उनको रखना भी वो भी पापोपदेश हो गया। ये त्रियंशों पर हम अत्याचार कर रहे हैं वो भी पापोपदेश हो गया। अगर त्रियंश त्रियंश से तात्पर्य सब आ गए, जो भी आप सब लेना चाहते हैं, जिनको आपने बांध के रखा है, जिनको आपने घर में पाल रखा है, वो सब आ गए। और अति भारारोपण भी पापोपदेश के अंतर्गत कहा गया है रत्नकंड सावकाचार में। मतलब क्या अति भारारोपण से मतलब जो आप जितना भार जिस पर डालना चाहिए उससे अधिक भार अगर आप दे रहे हो तो वो पापोपदेश में आएगा। बच्चों के लिए भी अगर आप ज़्यादा लोड दे रहे हो वो भी पापोपदेश में आ गया है। नौकरों पर भी आप अधिक जोर दे रहे हो वो भी पापोपदेश में आ गया है। और साथ साथ में घर में भी आप किसी से अधिक कार्य करा रहे हो वो भी अति भारारोपण में पापोपदेश में आ गया है। और साथ साथ में क्या है, बांध कर रखना, ये भी आया है वहाँ पर। बांध कर रखने से तात्पर्य यह है कि किसी को बांध कर रख दे तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें इस प्रकार एक कहना चाहिए किसी को सुधारने की अपेक्षा से आपने किया है, किसी को उसका भला हो, उसका कल्याण हो, उसका मार्गदर्शन हो, उस अपेक्षा से किया है, वो अलग हो गया और लेकिन जबरदस्ती आप बांध रहे हो तो ये भी पापोपदेश के अंतर्गत आएगा। तो त्रियंश को क्लेश देना, त्रियंशों पर अत्याचार करना, अति भारारोपण करना, बांध कर रखना, ये सब पापोपदेश में आएंगे। जिनके माध्यम से पाप होता चला जाए वो सब पापोपदेश के अंदर आता है। अब आप खुद विचार करना कि मैं किस प्रकार का पाप का कोई उपदेश तो नहीं कर रहा हूँ, इस प्रकार पाप का मेरा कोई समर्थन तो नहीं हो रहा है, कोई गलत कर रहा है तो उसमें मेरा सपोर्ट तो नहीं है, वो सपोर्ट पापोपदेश में होगा, हम बचें, हम बचते चले जाएँ। दूसरा क्या है, हिंसादान। हिंसादान से तात्पर्य जिन वस्तुओं से हिंसा होती है उन वस्तुओं का दान हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, निश्चित ये मान के चलना। अब एक बार आचार्य श्री जी ने क्या बोला था हिंसा दान में, पता है क्या बोला था, बोले अगर मान लीजिए आप अपने यहाँ भोजन बना रहे हो या आपने विवाह शादी में बुलाया है और विवाह शादी में आपने बुलाया है और उसमें अगर आप भोजन करा रहे हो और भोजन करा रहे हो तो रात्रि भोजन भी आप करा रहे हो तो हिंसा दान में आएगा। ये आचार्य श्री ने कहा क्यों रात में भोजन बन रहा है, बोले जितने बाहर की ये वस्तुएं हैं डब्बा पैक बंद आइटम्स जितनी भी मैंने आप ई नंबर्स वाली जो आपको बोली थी फास्ट फूड या कोल्ड ड्रिंक्स या आइसक्रीम, बोले ये भी हिंसा दान में आएगा, इनको भी हिंसा दान स्वीकार करना। कि जो राग रूपी कथाएं चल रही है, राग रूपी चिंतन चल रहा है, राग रूपी मनन चल रहा है आपका दिन रात, ये अब ध्यान में आएगा। द्वेष रूपी चिंतन चल रहा है आपका, इसको इसका बुरा करना, उसका बुरा करना, ना करने की ताकत है ना कर सकते हो, लेकिन दूसरा का वो अच्छा ही आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप उसके विषय में रात दिन सोचते चले जा रहे हो, तो अब वो क्या हो गया, अब एक परिवार में कहीं किसी के लिए किसी जगह पर आहार की पात्रता हो गई, आहार की पात्रता हो गई था, वो आहार की पात्रता हो गई, आहार दान देने के लिए गुरुदेव ने बाहर की बात है उस तरफ छत्तीसगढ़ की, अब सब खोलो नहीं, तो अब वहाँ पर पात्रता आचार्य श्री ने दे दी, आचार्य श्री राजी, ठीक है ना, समाज राजी, सब राजी, और आचार्य श्री जी ने मतलब बहुत अच्छे से उनको प्रायश्चित दे के कुछ उपवास आदि दिए, सामने उपवास कराए, उन्होंने उस समय उपवास भी उतने दिन में कर लिए, उपवास के बाद और जो भी देना था, अब वो राजी, लेकिन जो तीसरी पार्टी हैगी उनको विकल्प, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अरे दद्दा
जब गुरु शुद्ध कर रहे हैं तो तू काय को पाप बांध रहा है, तू क्यों अपने खोटे कर्म बांध रहा है। फिर हमने समझाने का, जब वो कहानी हमारे पास आई तो हमने समझाने का प्रयास किया कि जब गुरु रास्ता दिखाने वाले हैं, गुरु अपनाने वाले हैं, तो तुम क्यों विकल्प कर रहे हो उसकी। और अपने को विकल्प नहीं करना, वो जाने उनका काम जाने, हम कौन, हम गुरु को समझाने वाले हो क्या, गुरु को रास्ता बताने वाले हो क्या। कि जब गुरु जी बार बार प्रवचनों में बोलते वर्ण लाभ भी है, लेकिन वो उनकी शर्तें वो अपनी माने, वो उनकी अपनी शर्तें रखेंगे, अगर उस शर्त में वो है तो बस बात खत्म हो गई, आपको उसका संकल्प विकल्प नहीं करना चाहिए। और मैंने तो अक्सर देखा, अन्यथा समर्थन नहीं कर रहा हूँ मैं उसको, समर्थन नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ का, ना करूँगा समर्थन, लेकिन मैंने देखा है कि समर्पण और भक्ति और आस्था उन लोगों में ज़्यादा दिखती है आप लोगों से, उन लोगों में और ज़्यादा दिखती है आप लोगों से, इतना समर्पण, इतनी भक्ति और उन्हें आस्था रहती है जो बाहर से आती, कम से कम जैन तो बन गई, विलक्षण से आती है। क्या होती है वहाँ, तो धर्म भी नहीं होता है वहाँ, तो भगवान भी नहीं होता। ध्यान रखना, इस पूरी सृष्टि में, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी सृष्टि में और इस पूरे ब्रह्मांड में सब जगह सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, सब स्थानों पर, नरक में भी सम्यक दर्शन हो सकता है, स्वर्ग में भी सम्यक दर्शन हो सकता है, ऐसा कहीं स्थान नहीं जहाँ सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा एक प्रदेश है जहाँ सम्यक दर्शन होता है, वो मिलेक्षखंड, वो मिलेक्षखंड ऐसा है जहाँ सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं है, योग्यता नहीं है, आगम कहता है वहाँ सम्यक दृष्टि आप नहीं बन सकते हो, लेकिन वहाँ की भी सुपुत्रियाँ आती है चक्रवर्ती के यहाँ, चक्रवर्ती विवाह करके लाता है और चक्रवर्ती लाता है, लाने के बाद यहाँ सम्यक दृष्टि बनती है। आचार्य श्री ने अनेकों उदाहरण दिए हैं आगम ग्रंथों के, इसलिए हमें उस विषय को लेकर नहीं, हमारे गुरु हैं वो हमारे को रास्ता बताने वाले हैं, हमें उसमें किंतु परंतु नहीं करना, वो सोचेंगे, वो समझेंगे, वो निर्णय दें। तो ये अब ध्यान हो गया, इस प्रकार का अब ध्यान हम करते चले आते हैं, समय अपना हो गया। अब ध्यान में भी हाल बहुत और भी आपको, आपसे मैं बात करूँगा, तीन चार बातें अब ध्यान की और रह गई हैगी, और दुश्रुति क्या कहलाती है उस पर, और प्रमाचर्या क्या कहलाती है इस पर भी अब आगे कल की चर्चा इन विषयों को लेकर हो पाएगी। तो इस प्रकार से अगर आपको विषय थोड़ा सा टफ लग रहा हो तो इसको गौण कर दें। अच्छा लग रहा है, नए बच्चे वगैरह सबको अच्छा लग रहा ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आचार्य भगवान की बात को मैं बोलकर अपनी बात को विराम करता हूँ। गुरुदेव, एक बार की बात है कि आचार्य भगवान जो थे, एक महाराज जी को बहुत तकलीफ हो गई दांत में, और इतनी तकलीफ कि उस पीड़ा को वो सहन नहीं कर पा रहे थे। कारण ये कि दांत की तकलीफ ऐसी होती है कि 24 घंटे सताती है, पल प्रतिपल सोने भी नहीं देती है, ऐसी होती है ना, होती है ना, होती है। तब वो दांत की तकलीफ हो रही थी, अब वो तकलीफ हो रही थी, डॉक्टरों ने बोला दांत को निकालना ही पड़ेगा। अब दांत उनकी निकाली गई, दांत निकाली गई, तब आचार्य श्री पास आए तो आचार्य श्री से, आचार्य श्री को पता चला बहुत खून निकला, तो महाराज जी से बोला क्यों, बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत खून निकला। तो वो बोले, बोले नहीं आचार्य श्री जी, बर्फ़ की डल्ली रख दी थी तो मेरा उपयोग वहीं चला गया, तो कैसे निकल गया पता नहीं चला, ये लोग बोल रहे थे बहुत खून निकला। अब आचार्य श्री वहाँ कितना अच्छा अध्यात्म घटाते हैं। अच्छा श्री जी वहाँ बोलते हैं कि जैसे बर्फ़ की ओर तुम्हारा ध्यान चला गया, वो पीड़ा और कष्ट का अनुभव नहीं हो गया हुआ, इसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में हमारा क्या लक्ष्य है, उस लक्ष्य पे अगर हम ध्यान दे लेंगे तो मच्छर काट भी रहा है तो हमें जो मच्छर की काटने का एहसास नहीं होगा। बस अपने लक्ष्य को देख लें, और लक्ष्य को देखेंगे तो लगेगा नहीं, बस अपनी वो जहाँ पाना है और जहाँ जाना है, और उस जाने के लिए सच्चा और अच्छा रास्ता परिचय कष्ट को सहन करना ही है, वो हमारे दिमाग में आ जाएगा तो कष्ट और परिचय भी सुख और आनंद का केंद्र बन सकते हैं, हम सबके सुख और आनंद का केंद्र बने। इसी भावना से बोली आचार्य बन विद्यासागर जी महामुनि राज की।